टुडे वी वर डूइंग आरएमएस पेपर 2015 बेटा कल हमारे 70 तक क्वेश्चन हो गए थे क्वेश्चन नंबर 71 देखो जस्ट चिराग नमान सर बताने के लिए ओके क्वेश्चन नंबर 71 बेटा सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 25 अर्पिता बेटा पहले प्राइम नंबर बोलो 10 और 25 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर है प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 25 आंसर बी मैम 11 यस 13 11 13 17 यस 23 19 23 यस बस यस नंबर्स इन सबको बेटा प्लस करना है आपने इन सबको ऐड कर लो मैम 83 3 यस 83 आ रहा है दैट इज अ बी ऑप्शन बेटा बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 25 एंड देन द ऐड ऑफ दिस नंबर देन ऐड ऑफ दिस नंबर्स ओके बेटा Cost of 6 cans of juice is rupees 210 than the cost of 4 can of juice. Deepshikha, आप बताओ बेटा. बेटा 6 can की हमें given है cost 4 can की निकालनी है कैसे निकालेंगे? मैम इनको डिवाइड करेंगे. किसको? No. लक्ष्य आप बोलो बेटा. हाँ जी बेटा हमें 6 कैन की कॉस्ट करना है 210 पहले हम 210 और मैम फिर 1 कैन की कॉस्ट निकाल के मैम yes. इसके बाद मैम 4 कैन की कॉस्ट निकाल पहले 1 कैन की निकालनी पड़ेगी बाय डिवाइड 210 डिवाइड बाय 6 ठीक है फिर हमने निकालनी है 4 की तो 4 की निकालने के लिए क्या क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे हम मल्टीप्लाई करते हैं मुझे जमा हम आराम से टू टू या फोर टू थ्री या सिक्स थ्री सेवन या 21 जीरो दैट इज रुपीस 140 बी ऑप्शन नेजल करो बेटा डू इट क्वेश्चन क्या था फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 33 61 एंड 75 लीविंग 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस ठीक है अगर बेटा हम इनको 33 61 75 से डिवाइड करते तो हमारे पास 5 रिमाइंडर आएगा सबसे पहले हमने 5 को इन सब में से माइनस कर लेना है 33 माइनस 5 61 माइनस 5 75 माइनस 5 अब जो नंबर आ गए इनका आपने एचसीएफ फाइंड करना है ठीक है फर्स्ट टू नंबर्स लो 28 एंड 56 इनका निकालो टू पर गया ठीक है फिर 28 और 70 का निकाल लो यस 7 माइनस 55 70 आंसर 75
ढूंढ लिए। बेटा इसका हमारा एक्सएफ कितना आ गया, 14 आ गया। मैम 14। तो लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 33, 61, 75, तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, 5 बनेगा। अगर आप 33 को 14 से डिवाइड करोगे, 61 को 14 से डिवाइड करोगे, 75 को 14 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा बेटा इन ईच केस। क्लियर? यस। बताओ बेटा, आप बताओ। प्लस 100 प्लस 10 वन अपॉन 1000 को मैम प्लस करेंगे तो मैम हमारा आंसर 111 आएगा चार बार मैम, फिर उसको यस नो मैम, पहले हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे मैम, अगर फ्रैक्शन की वैल्यू 0.1 जे वन का 0.01 जे वन का 0.001 ठीक है, हम इनको ऐड करेंगे तो जो बन जाएगा 1.111 कैसे निकाला मैम, पहले मैम वन आर का निकालेंगे, हाँ जी पहले वन आर का निकाल लिया, वन आर में कितने सेकंड होते हैं 3600, तो 5 आवर्स में कितने होंगे 3600 × 5 आंसर इज 18000 आ रहा है बेटा ए ऑप्शन, राइट? यस मैम। बेटा इसमें साइड ऑफ स्क्वायर गिवन थी, हमने पेरीमीटर निकालना था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 × साइड दैट इज 4 × 3 इज 12 सेंटीमीटर। सर मार्क्स आउट ऑफ टोटल मार्क्स 250 मैम, एक स्टूडेंट ने मैम 30 मार्क्स मैम 30% मैम 250 में से मैम मार्क्स है मैम, तो मैम हम निकाल लेंगे कि मैम उसके मैम मार्क्स कितने हैं, तो मैम वी विल डू 250 मैम 250 और 30% फर्स्ट ऑफ ऑल यस 30% ऑफ 250 है ना जो स्टूडेंट्स क्योर कर रहे हैं, सो मैम इसका आएगा मैम 75 मैम, इफ ही फेल्ड बाय 25 मार्क्स द मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास आर मैम, यानी कि मैम अगर मैम 25 मार्क्स से वो फेल हो गया, यानी कि मैम अगर 25 मार्क्स और आ जाते तो मैम वो पास हो जाते, तो मैम 75 में मैम हम पास 25 में प्लस कर देंगे मैम, तो मैम आ जाएगा कि मैम 100 में जो मार्क्स हैं वो रिक्वायर्ड चाहिए पास होने के लिए, रिक्वायर्ड मार्क्स 100 है ना, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए 100 ठीक है, कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर, हमने टाइम निकालना है। आदित्य कुमार 6th क्लास, आदित्य कुमार बताओ कैसे करेंगे बेटा, हरिय एवूश जादा स्विच ऑन योर कैमरा, एवूश बताओगे बेटा, बताओ इसका आंसर मैम, कैन आई से अहमद, अहमद आप बताओ, चलो मैम इसका फॉर्मूला होगा मैम डिस्टेंस बाय स्पीड, हाँ जी हमें स्पीड गिवन है 75 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस गिवन है 350 किलोमीटर, हमने क्या निकालना है टाइम, यस उसने फार्मूला बताया है अहमद ने डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस से 350 डिवाइड करो मैम कट बाय 25 इसको डिवाइड करके देखो बेटा, हम 60 में से मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे पास आ गया 4 2/3 आवर्स, अब 4 आवर्स तो कंप्लीट है आपके पास,
मल्टीप्लाई कर देंगे सो मैम 40 मिनट 4 आवर 40 मिनट 4 आवर 40 मिनट मैम मेरे भी आंसर आ रहा है लेकिन है नहीं उसमें जहाँ पर 30 मिनट किया और 40 मिनट करो ऑप्शन में यस मैम रॉन्ग दिया गया मैम 4 आवर 40 मिनट्स kg of sugar cost is 250 rupees and find the cost of 15 kg of sugar. The ma'am hame 10 kg sugar ki ma'am cost diya 250 and se question pucha gaya ki 15 kg sugar ki cost batane ke liye. The ma'am hum hamari ma'am sabse pehle ma'am cost ma'am 1 kg sugar ki cost find kar lenge. Cost of 1 kg sugar is equal to 250 upon 10 and 25 aa gayi. कॉस्ट ऑफ मैम 15 केजी फाइंड करना देन हम 15 इनटू कर देंगे इसमें हां जी मैम इसको इनटू करने के बाद आंसर आ जाएगा देखो इतना ही आ रहा है डू मल्टीप्लाई 15 से मल्टीप्लाई करो मैम 375 ये बेटा हमें 10 के लिए कॉस्ट गिवन थी हमने 15 की निकालनी थी तो बेटा वी विल अप्लाई द जॉइंट्री मेथड पहले हमने 1 की निकाल ली बाय डिवाइडिंग 250 डिवाइड बाय 10 25 रुपीस आ गया तो हमने 15 के लिए निकालनी थी 25 into 15 दैट इज 375 मैम बट हम इसको मैम 250 अपॉन 10 को मैम डायरेक्ट एज इट इज फ्रैक्शन में लिखकर मैम इसको इसके साथ हम इनटू कर देते हैं मैम 15 को कर सकते थे बिकॉज़ मैम कीर्ति बोलो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 45 डिग्री का नहीं पता नेजल आप बोलो मैम कैन आई एक्सप्लेन दिस नेजल बोलेगा नेजल सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है मैम कैन आई बेटा अनम्यूट करो मैम कैन आई टेल यस अर्पिता मैम सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 डिग्री तो फिर यहाँ पे हमको बोला है 45 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा हमको एक दिया हुआ है और एक निकालना है तो फिर 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री वेरी गुड तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 क्या बन जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे मैम 135 मैम 135 मैम ऑप्शन बी 135 डिग्री पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप